गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके जीव विज्ञान के अध्यापक। आज आपको जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाएंगे। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रत्येक सजीव जंतु या पौधे छोटी छोटी एक समान रचनाओं से बने होते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा कि कॉर्क की पतली काट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। रॉबर्ट ने प्रकोष्ठों को कोश का नाम दिया, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। प्रत्येक कोशिका सजीव की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवों की सभी जैव प्रक्रिया इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती है। देखिए, ये सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसका निर्माण 1665 में और रॉबर्ट हुक नामक विज्ञानी ने किया था। इससे हम सूक्ष्म वस्तुओं को, जीवों को देख सकते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। कोशिका की खोज। कोशिका सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई, जिसका अर्थ है एक छोटी कोठरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पादप कोशिकाएं कोटरी जैसी दिखाई देती है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेक्शन का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम कोशिका का प्रयोग किया। देखिए, ये एक नोट्स है, इसमें सारे वैज्ञानिक के नाम दे रखे हैं और उनकी खोजें हैं। जैसे 1665 रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के छोटे टुकड़े पर कोशिकाओं की खोज की थी। 1670 में लुवेन हॉक ने एक कोशीय जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। 1671 में मार्सेलो मालपिगी ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। 1710 विल्सन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिसका उपयोग आजकल प्रयोगशाला में किया जाता है। 1838 मैथियस स्लीडन, इन्होंने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1839 डियो डश्वांस, इन्होंने जंतु कोशिका के आधार पर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1932 नॉल एवं रुश्का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। और 1940 से आगे तक कोशिकाओं की जटिल संरचना अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकाओं के प्रकार। केंद्रक की जालिका के आधार पर केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएँ दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का अर्थ, प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है आदि अथवा पूर्व, और कैरियोटिक मीन्स केंद्रक यानी पूर्व केंद्रक। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया, नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। विशेषताएं, केंद्रक पदार्थों के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक पदार्थ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का बना होता है, जिससे प्रोटीन जुड़े नहीं होते। इनके चारों केंद्रावरण होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक डायग्राम है जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र के महत्वपूर्ण घटक बेसिक प्रोटीन अर्थात स्टोन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नहीं होते। माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी का व लाइकोसोम नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटका में होता है। सेकेंड, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये जटिल कोश संरचना वाली कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ डीएनए व क्षारीय प्रोटीन से बना होता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं का जाल सा बनाते हैं। इनके चारों ओर सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली होती है। कोशिका द्रव्य में माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी का व लाइकोसोम आदि कोशिकाएं होते हैं। ये आपका डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बिटवीन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये आपको रीडिंग करना है चैप्टर, इसके बाद इसका ये काम होमवर्क में करना है डायग्राम सहित। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।